डीसीपी महोदय के निर्देश है ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल के खिलाफ कार्रवाई का। उसी क्रम में लखनऊ शहर का सबसे जो कुख्यात ऑर्गेनाइज गेम था सलीम रुस्तम सोहराब गेम, इसके खिलाफ पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। और जो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज गेम के खिलाफ ये टीम बनाई है उसके उस टीम के एक इम्पॉर्टेंट मेंबर इंस्पेक्टर डी के साई द्वारा अभी तक इस गैंग के 12 लोगों को अरेस्ट किया गया है और एक के साथ पुलिस मुठभेड़ हुई जिसमें किसी शर्मा मारा गया। इस गैंग का काम पूरे शहर में अवैध सट्टेबाजी का काम, उगाही वसूली का काम था। और उसके गैंग के जो लीडर थे अभी कुछ दिन पहले 7 लोगों को हम लोग भेजा था, अभी उस गैंग के 3 और लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया जिसका नाम इकराम, ये थाना कैंट का, गिरजेश रावत ये थाना औसरी, और शाम को शफी ये भी थाना कैंट का है। यह अवैध रूप से सट्टा चलाता था, सट्टे के जो सामान है वो इसके पास से मिले हैं जो आपके सामने हैं। इसके अलावा इसके पास कैलकुलेटर, पेन, अदर कम और 2 तमंचा, 315 का एक 12 का तमंचा मिला और 4 जिंदा कारतूस इसके पास से मिले। पुलिस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि ऑर्गेनाइज क्रिमिनल के खिलाफ जिस तरह का अभियान है सरकार की मंशा है उसके अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं। और इस शहर का जो सबसे कुख्यात गैंग था उसके 12 लोग अभी तक जेल के शीशों के अंदर हैं और एक जो इसका शूटर था वो पुलिस साथ मुठभेड़ हुई जिसमें हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। इसके अन्य लोगों के खिलाफ भी इसकी संपत्ति का हम लोग आकलन कर रहे हैं और जिस गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत इसकी पूरी संपत्ति को हम लोग सीज करेंगे ताकि आवाम में एक मैसेज जाए। और जो सोशल एविल है, जुआ का, सट्टा का, इस तरह का एविल ये लोग फैलाते हैं, गरीब लोगों का शोषण करते हैं।